कवर्धा की ग्राम पंचायत चरखुरा के पंचायत अधिकारियों ने कलेक्टर से शिकायत कर ग्राम सरपंच पर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वहीं पीठासीन अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग भी की गई। पंचायत अधिकारियों ने कहा है कि सरपंच राशि का दुरुपयोग कर गबन करने का काम कर रहा है, जिसके चलते सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सरपंच और पीठासीन अधिकारी की मिली भगत के चलते अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान स्थगित कर दिया गया। वहीं अपर कलेक्टर ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हमन कल अविश्वास प्रस्ताव के रही से सम्मेलन रही से और वो सम्मेलन सरपंच तहसीलदार साहब है मतलब बहानाबाजी करके कि मतलब सरपंच जी की तबीयत खराब है कहिए चलो ये तो खरे समय को वो खरे शिकायत लेकर हम तहसीलदार एस डी एम शिकायत बैठक रही से अविश्वास कल विश्वास प्रस्ताव की बैठक रही से सरपंच वहाँ हाँ 14 पंच हम उपस्थित रहे। क्या बताइए वहाँ जो तहसीलदार आ रही वो तहसीलदार साहब को ही इसके मतलब राजकुमारी ध्रुव के सरपंच जी की तबीयत खराब है ओखर मेडिकल है कि बताई से और ओखर बाद उठ के चले गई। का नाम है आपके साथ ही जात ले क्या हो कहां का मोर नाम है भूपेन दसाल। हमन ग्राम पंचायत चक्रत फलक दहियन कल जोर हमारे गांव में अविश्वास प्रस्ताव ऊपर बोर्ड पर नहीं से जिनमा तहसीलदार साहब हा हम लेकिन सरपंच के पेपर खाए कह के बिना कुछ लिखित में आश्वासन दिए मौखिक बोल के भाग गए कि आज चुनाव नहीं होती थी उमा हमला संतोषजनक जवाब नहीं मिली हम लोग शिकायत बराज अपर कलेक्टर साहब दस मिले पर शिकायत के लिए यहाँ आ रहे हैं। क्या चाहत हो आप? हम नहीं चाहते हैं कि जब तक जल्द हो सके सर चरखुरा कला के जो है पंचगण यहाँ पे आए हुए थे क्या दरख्वास्त हुई और क्या उसको किया? चरखुला ग्राम पंचायत के करीब करीब 14 पंच यहाँ पर उपस्थित थे। उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि कल की तारीख पे वहाँ ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव होना था जो नहीं हुआ है करके स्थगित हो गया करके उस संबंध में उनके द्वारा शिकायत दिया गया है। हमन कल अविश्वास